And I have done my master's also in marketing. And hmm. actually, uh, and my wife is a teacher. She's also of same age, around 42. I'm also 42 years old. So, hmm. we want to actually uh, migrate to Canada. Means we want to get an immigration, PR for Canada. So, so yeah. but, uh, SM sir, I had talked are your age is too high. So, it's not possible. So, tabhi, but hmm. I was not satisfied with them.

आपको ये पता नहीं लग रहा कि वाकई वो सही कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं लेकिन आ, अभी तक आप, आपने क्या क्या, क्या इंफॉर्मेशन पता करी एक्सप्रेस एंट्री के, कर के बारे में अपने पॉइंट्स चेक कर लिए सर एक्सप्रेस या, या, तो वो तो, वो तो, वो तो आपको चाहिए पड़ेगा आईएलएस भी चाहिए पड़ेगा आपको एजुकेशन होगा एक्सपीरियंस वाला सब कुछ होगा आपके पॉइंट्स कितने आए हैं सर उन्होंने जब वो करके दिया था तो बोले मेरे अराउंड 470 बन रहे थे सर 470 बन रहे थे कब आज की डेट पे नहीं सर इट इज आई एम सेइंग लास्ट ईयर की बात है सर लास्ट ईयर बन रहे हो कि बात क्या बात है हो सकता है कि अच्छा आपकी एक मास्टर डिग्री है हाँ मास्टर डिग्री सर आई हैव डन माय एमबीए अच्छा और उम्र कितनी है सर फोर्टी सर अच्छा अच्छा तो so, एक उसका आप I, I actually, मैं आपको एक sir, मैं आपको थोड़ा सा थोड़ा सा okay. जरा इजी किसी कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है अपने पॉइंट्स आप खुद ऑनलाइन इमिग्रेशन की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं ओके okay, सर आपको पता है कैसे चेक करना सर आई आई कैन डू इट सर हाँ तो वो वो मैं आपको अगर आप बोलो तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कैसे okay. चेक करते हैं तो okay, उसके हिसाब से फिर आप, आप देख लेना okay. uh, आपको शायद स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये दिख रहा है आ, दिख रहा है सर हाँ तो इसमें सारा दिया हुआ है कॉम्प्रीहसिव रैंकिंग सिस्टम है एक्सप्रेस एंट्री पे आप गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा की वेबसाइट पर जाके सारे पॉइंट देख सकते हैं ये सारा सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पर और उसका एक टूल भी है इसका जो टूल से अगर आप अपने इन्फॉर्मेशन आप इनपुट करेंगे तो आपको सारा पता लग जाएगा ये टूल होता है इसके अंदर आप जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आप इनपुट डाले जाएंगे और सारे आपको पॉइंट्स पता लग जाएगी अगर आपके अगर आपके 450 से नीचे बन रहे हैं पॉइंट आज की डेट में जी तो आपके सामने ही है कि भी आपके चांसेस रियलिस्टिक नहीं है कि आपका नंबर आ जाएगा आपका इनविटेशन आना चाहिए उसके आप इट इट पचास जस्ट सौ अराउंड इन इन दैट रेंज पर आप मान के चलें कि 450 से नीचे थोड़ा सा डाउन डॉल सिचुएशन है तो okay. एक तो ये एक तो ये बात हो गई है उसमें कोई कुछ कोई कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आपको इंग्लिश का टेस्ट देना पड़ेगा आपकी वाइफ को भी इंग्लिश का टेस्ट देना पड़ेगा और एज के जो पॉइंट्स हैं तो वो तो पॉइंट्स हैं ही हैं एज के पॉइंट्स तो कोई कंसल्टेंस इसमें छेड़ नहीं सकता जो होगा जो आपके बस में है वो है आपकी जो इवेलुएशन है एजुकेशन की वो है और इंग्लिश का टेस्ट है वो आपके बस में है और बाकी आपके बस में कुछ नहीं है ओके सर तो सर पहली में... बात पहली बात तो ये हाँ बोले सवाल बोले सर आप जैसे बोल रहे हैं इसमें नहीं है यदि सर एक मैं सुना की पी एन भी है जो प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम भी कुछ आता है हाँ प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम बहुत प्रोविंस uh, के हैं जैसे आपकी असम प्रोविंस है एक यूपी है एमपी है जैसे इसको हम कहते हैं जैसे आप स्टेट हैं हम कहते हैं प्रोविंस हैं कुछ प्रोविंस चूज करते हैं आ, और uh, प्रोविंस का चूज करने का मतलब ये है कि वो आपको सेलेक्ट करते हैं कि आप उनके सूबे में आके रहें तो उसके लिए उनका अलग क्राइटेरिया है आपको किसी कंसल्टेंट की बजाय आपको हर एक वेबसाइट के उसमें जो बना हुआ है जो उनकी जो पीएनपी का जो पॉइंट सिस्टम बना हुआ है जो जैसे बीसी का अलग बनाया अल्बर्टा का अलग बनाया नोवा अलग बनाया उनके उस पर जाके अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है और वहीं पर आप उनको उन, उनका जो पॉइंट सिस्टम है वो आपको मालूम पड़ जाएगा और आपको ये पता लग जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं बहुत सारे जो प्रोविंस हैं उनको कोई ना कोई एक जस्टिफिकेशन चाहिए आपको नॉमिनेट करने के लिए जस्टिफिकेशन जैसे आपको कोई अगर जॉब ऑफर हो या जैसे मैनेटोवा में है जैसे आपके रिलेटिव कोई हो तो है या आपने पुरानी वहाँ कोई पढ़ाई करी है पुराना काम किया है तब जाके वो नॉमिनेशन करते हैं ऐसे नॉमिनेशन वो नहीं करते पहले करते थे कुछ उसमें कोटा बहुत कम होता था और मिनटों में सारे सीट्स भर जाती थी तो वो आजकल रियलिस्टिक नहीं है सो टू आंसर योर सेकेंड क्वेश्चन पी का ऑप्शन उनके लिए बना है जिनके पास ऑलरेडी कैनेडा में रहकर काफ़ी स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं जो पढ़ाई करने के बाद काम कर चुके हैं वहां पर या तो उनका वहां से कोई कनेक्शन है उनको नॉमिनेशन देते हैं वैसे नॉमिनेशन रियलिस्टिक नहीं है अगर कोई कंसल्टेंट कोई लॉयर इंडिया में ये कहता है कि मैं आपका पीएनपी करा दूंगा दे आर मिसलीडिंग यू सर पी एन बोल रहे थे पहले तो वो बोले फिर बाद में जब मैं बोला नहीं आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योर आंसर सौ 470 आप बोल रहे कैसे आ रहा है बताइए मुझे तो वो नहीं बता पाए बोले वो आप मैं हम बात कर लेंगे हम देख लेंगे आप चिंता मत करो हमारी कैनेडन एम्बेसी के अंदर बहुत पहुंच है

है कि सेल्स को इंक्रीज करना करेक्ट जी सर उसी तरह से कंसल्टेंट का लॉयर का जो भी वो लीगल बिजनेस करते हैं उनका पर्पस है कि रेवेन्यू को इंक्रीज करना और रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए क्लाइंट को सैटिस्फाई करना पड़ेगा अगर क्लाइंट को सेटिसफाई करने के लिए थोड़ा सा इधर उधर फैक्ट्स को अगर चेंज करना है तो भी लोग करते हैं ये आपको जज करना है ग्राहक को जज करना है कि ग्राहक भाई आप सतर्क हो जाओ आप देखो कि वो लोग क्या कर रहे हैं ओके okay, सर और बोलें, और सवाल बोलें। सर तो इसका यदि के बाद बनता है, से 440 यार, तब तो है हर एक इंसान क्वालिफाई नहीं कर सकता एंट्री में एक्सप्रेस एंट्री किसी खास मकसद से बना हुआ है और वो एक टारगेट है उनका है कि ऐसे ऐसे लोग हमें चाहिए है जो इस रेंज में आते हैं इतनी इंग्लिश में आते हैं इतनी एजुकेशन होनी चाहिए और ऐसा 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 एक्सपीरियंस होना चाहिए चाहिए स्किल तो उसके लिए एक सर्टेन उन्होंने फोकस बना दिया कि हमें चाहिए। हर इंसान इस में नहीं आ पाएगा अगर जो नहीं आ पाएंगे तो वो क्या रख लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे सर, जैसे बोलते हैं कि, पीपल गोस आ, वीजा में जाते हैं फिर वहां जॉब सर्च करते हैं या वो एल आई एम आई जो बोलते हैं

कंपनीज़ को मिले इंटरव्यू दें और उनसे जॉब ऑफर के लिए बात करें अगर कोई कंपनी आपको जॉब ऑफर दे देती है आपके फील्ड में और जिसमें एक स्किल जॉब होता है जिसमें सैलरी पैकेज वगैरह जो भी वो आपको बताएंगे कॉन्ट्रैक्ट देंगे फिर वो आपको एल एम जो आपने कहा वो अप्लाई करेंगे जब वो पास हो जाएगा तब आप वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं वर्क परमिट का मतलब ये है कि आप पी के बगैर ही वर्क परमिट पर काम कर सकते हैं तनख्वाह ले सकते हैं और अपने बीवी बच्चों को ले आ सकते हैं इन द टाइम जब आप एक्सप्रेस एंट्री करते हैं तो उसी वर्क परमिट के बेस पे आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं डिपेंडिंग ऑन द जॉब्स 50 टू 200 हंड्रेड ऐड हो जाते हैं तब जाके इन फ्यूचर लग जाती है बस इतना ही सीक्रेट है अब कई लोगों ने इसको ऐसा धंधा बना दिया है कि आप कैनेडा में बैठे बैठे किसी से जॉब लें जॉब लेकर मतलब किसी को पैसे देकर जॉब खरीदें वो गैर कानूनी है कैनेडियन सरकार चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि ऐसा काम मत करो लेकिन कुछ लोग कर रहे हैं और

आ, तब जब आ, अगर आप कनाडा आ सकते हैं टूरिस्ट वीज़ा पे आके देखना चाहिए मैं कई लोगों को बोलता हूँ ये अगर आपके पास सामर्थ्य है पैसा है वीज़ा आपको मिल सकता है तो आपको कनाडा में एक बार कम से कम दो तीन हफ्ते एक महीना आके देखना चाहिए कि कंट्री में कहाँ रहना है कैसे है जॉब है क्या बच्चों की एजुकेशन है घर का किराया कितना है वगैरह वगैरह अगर मैं दिल्ली मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ अगर मैं बोलूँ कि मैं को आसाम में जाके रहना है जैसे आप आसाम में रहते हैं तो आप ये सोचो कि मेरे को आसाम के बारे में क्या पता मेरे को कुछ नहीं पता मैं वहीं से फ़्लाइट बुक करके गुवाहाटी आ जाऊँ जी मैं अपनी पैसा लेकर आ गया जी सामान लेकर आ गया जी मेरे को यहाँ रुकना है इट इज़ फुल एच फॉर मी टू डिसाइड कि भाई आसाम में, में मेरे को वही फैसिलिटीज या वही एक्सपेक्टेशन मेरी फुलफिल होंगी जो मैं जिसकी मेरे को आदत है दिल्ली में तो इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन यहाँ तो दूसरी कंट्री की बात कर रहे हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री आप छोड़ के जा रहे हो हमें कुछ नहीं पता कि कैसी जॉब मिलेगी कितना खर्चा होगा कितना टाइम लगेगा सेटल होने में और वगैरह वगैरह बच्चों की पढ़ाई वगैरह बहुत सारी बातें हैं और इमिग्रेशन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कैसे चैलेंजेस आएंगे अगर आपको मौका मिलता है तो आके जरूर एक बार एज अ टूरिस्ट विजिटर आपको आना चाहिए देखना चाहिए कौन सा शहर आपको सूट करता है क्या पता आपको ठंड सूट नहीं करती आपको गर्म एरिया में रहना है देर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स जो जाके ही पता लगेगा तो इट्स अ गुड आइडिया अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन है मैं मैं उस वही डिसाइड कर ही रहा था कि एक बार जाके देख के आऊं कैसे क्या है नहीं है मेरी वाइफ से भी वही बात हुई थी तो वाइफ भी वही बोली कि एक बार जाके देख के आओ सही कह रही है तो आपकी वाइफ सब आपकी वाइफ समझदार है वो सही कह रही है पहले एक बार जाके देखना चाहिए कोई भी हम एक्शन लेते हैं लाइफ में डिसीजन लेते हैं शादी करने से पहले लड़की देखने जाते हैं जाते हैं ऐसे कह आंख बंद करके लड़की देख ली कोई काम करते हैं बिजनेस लेते हैं उसको चेक करते हैं कि भाई इसमें बिजनेस में क्या प्रॉफिट है क्या सेल चेक करते हैं घर घर लेना होता है घर को पहले चेक करते हैं घर कैसे कंस्ट्रक्शन है हर चीज को हम पहले वैल्यूएट करते हैं कि ये काम करने वाला है कि नहीं है कैनेडा के बारे में हम आंखें बंद करके ऐसी छलांग लगा दी हमने कि जी हम जाएंगे वहाँ बैठे बैठे हम जी अमीर हो जाएंगे ये हो जाएगा वगैरह ऐसा नहीं होने वाला है हर एक इंसान यहाँ अमीर नहीं बन सकता हर एक इंसान यहाँ पर वो चीज जो सोच के आ रहा है वो शायद नहीं फुलफिल हो सकती है आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है आप किस बैकग्राउंड से आए हैं आप क्या काम करेंगे कहाँ रहेंगे कैसे गुजारा करेंगे देर इज लॉट ऑफ प्लानिंग रिक्वायर्ड इन डूइंग दिस और उसके लिए तो उसके लिए एक आध बार आना बहुत ही एक फायदेमंद है आना चाहिए स्पेशली जो लोग इन्वेस्ट uh, करना चाहते हैं कई लोगों के पास पैसा बहुत है उनके पास दो तीन करोड़ रुपए हैं वो कहते हैं जी हम हमारे कनाडा में कोई बिजनेस खोलेंगे वगैरह तो मैं कहता हूं कि भाई थोड़ा सा ठहर के जरा पहले आके देख लो कौन से बाजार में जा रहे हो कौन सी दुकान खरीदनी है आपको क्या आप करना है वो मेरे को कहते नहीं जी कंसल्टेंट ने कह दिया जी हम आपका काम करा देंगे बैठे बैठे वहीं पर जो कंसल्टेंट इंडिया में बैठे हैं वो कहते हैं जी आपका काम यहीं से बैठे बैठे करा देंगे पीआर ले जाएंगे इतने पैसे जमा कर दो जी हम तो एक करा देंगे आपको बना बनाया बिजनेस खरीद देंगे मैंने कहा ऐसी गलती मत करना आप लेकिन मर्ज, मर्जी है उनकी हुँ 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 हुँ. सर सर एक बात और बोलना चाहता तो सपोज मैं आना बेटर, और बेटर ये, ये सवाल पूछा आपने हां जी सर ये कहना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए यार टोरंटो में भी लोग रह रहे हैं वैंकूवर में भी लोग रह रहे हैं इंडियन लोग इमिग्रेंट लोग हर जगह रह रहे हैं ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका क्या बिजनेस है क्या जॉब है कितना आपके पास अफोर्डेबिलिटी है ये जो बड़े बड़े शहर जो आपने बोला ये महंगे शहर हैं यहाँ पर सेटल होने के लिए आपको ज़्यादा पैसे चाहिए ज़्यादा स्ट्रगल चाहिए ऑन द ऑन द अपोजिट हंड अपॉर्चुनिटीज भी जॉब्स वगैरह यहाँ पर ज़्यादा है बजाय के छोटे शहर में जैसे मैं छोटे शहर में रहता हूँ मेरा शहर है एडमिंटन यहाँ का मार्केट छोटा है यहाँ की जो एक जो, जो जो प्राइस लेवल हर चीज़ का थोड़ा नीचे है लेकिन उसके हिसाब से आप आपको काम भी देखना पड़ेगा काम आप क्या करना है तो ये कहना मुश्किल है ये तो ए, ये तो ऐसा सवाल हुआ कि कोई अगर बाहर की कंट्री से अगर कोई इंडिया में आ रहा है तो उससे पूछे कि भाई आपको दिल्ली बेटर रहेगा कि अहमदाबाद बेटर रहेगा या बैंगलोर बेटर रहेगा तो ये कहना मुश्किल है ये तो हर एक हर एक शहर के अपने अपने इंट्रेंसिक क्वालिटीज है जाके आपको अपने बैकग्राउंड से आपको मैच कर ले सर लास्ट क्वेश्चन एक पूछना था सर मैंने थोड़ा स्टडी किया था रिगार्डिंग ए आई एटलांटिक जो प्रोग्राम है Hmm. तो सर जो एटलांटिक सूबा जो है वहाँ बोले कि जॉब्स भी बहुत ज्यादा है बट द वेदर इज वेरी हार्श एंड दिस एंड दैट मतलब ऐसा नहीं ऐसा नहीं है उसका उस आपके जो विचारों के बाका मैं संशोधन कर देता हूँ एटलांटिक hmm. एक प्रोविंस नहीं है एटलांटिक चार सूबे हैं चार प्रोविंसेस हैं एक है नोवा स्कोशिया प्रिंस एडवर्ड आइलैंड न्यू और आई एम फॉरगेटिंग समथिंग आई थिंक न्यू फिनलैंड लैब प्रिंस एडवर्ड आयलैंड नोवस्ट कोशिया एंड इस चार, चार प्रोविंसेस में, में आपको जो जाना है यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर यहाँ पर uh, जॉब ज्यादा है नहीं है ये प्रोविंसेस ने तब क्यों खोला है क्योंकि इनके पास कोई आता नहीं है नॉर्मली जो कनाडा में जैसे आपने बोला टोरंटो वैनकोव में जैसे आपने बोला वहां पर लोग जाते नहीं है ज्यादा यहाँ पर यहाँ, जैसे अब मैं अलबा में हूँ मेरे को क्या जरूरत है कि वहां पर जाने के लिए समुद्र के किनारे अटलांटिक ओशन के ल, लगे हुए जो प्रोविंसेस है वहां पर ज्यादा लोग जाते नहीं है वहां पर जो ऑक्यूपेशन प्रोफाइल है वो ज्यादा फिशिंग का है मेरीन प्रोसेसिंग फूड प्रोसेसिंग इस तरह के नेचर ऑफ जॉब जाना आई टी जॉब वहाँ नहीं मिलेंगी ज्यादा इतनी या कोई इस तरह की कोई हाई फाइल जो जॉब्स हैं जो वैनकूवर टोरोंटो मिलेगी वो वहां नहीं मिलेंगी इस करके वहां उन्होंने बनाया है जॉब्स आपको मिलेगी नहीं मिलेंगी ये आपको पहले देखना है इसलिए तो ये है कि आप पहले जाके वहां देखो वहां पर समझो वहां का जो एक जो पायलट प्रोग्राम है जिसके तहत जो आप जो कंसल्टेंट्स वगैरह बोलते हैं कि हम दिला देंगे उसमें बात इतनी है कि आपको अगर जॉब मिलती है तो आपको फिर आपको यहाँ पीआर मिलने का बहुत अच्छा अच्छा चांस है फास्ट ट्रैक चांस है क्योंकि वैसे नॉर्मली वहाँ कोई आता ही नहीं है आता मतलब कम लोग आते हैं ये ये बात है नहीं सर हमें देखा हूँ कि उसमें मैं पी में देखा था प्रेस एडवेन आइलैंड में हुँ. कि वहाँ हमारे राजस्थान के लोग भी बहुत हैं दे आर डूइंग बिजनेस दैर वो ठीक है बिजनेस बिजनेस अगर आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस करने के लिए तो कहीं भी जा सकते हो आप अगर एटलांटिक प्रोविंस में जाना है तो वहाँ चले जाओ अगर आपको कहीं और जाना है तो वहाँ चले जाओ बिजनेस का तो एक अलग चीज है बिजनेस का तो ये है कि हर एक प्रोविंस में उन्होंने एक एक बना रखा है कि स्लैब बना रखा है कि इतना इन्वेस्ट करोगे आप तो आपका ये होगा तो उसके लिए आप यू कैन गो एनी अगर आपको एटलांटिक में जाना है तो वहां चले जाओ उसके लिए आप बेटर ये है कि इससे इससे पहले कि आप कुछ डिसाइड करो कि यहाँ जाना वहां जाना आप प्लीज

बेंगलौर में ऐसा नहीं है लेकिन गुमराह करने वाले इस पंजाब में ज़्यादा लोग हैं नंबर वन फॉर सम रीजन बिच आई आई एम आई डोंट एनी बडी ब्लेमिंग बट यू नो जनरली ऑन माय ऑब्जर्वेशन बिकॉज मैं कम से कम पच्चीस साल से काम कर रहा हूँ मेरे को लगता है कि पंजाब में इस तरह के कंसल्टेंट्स ज़्यादा हैं जो जो किसी भी नॉन पंजाब के जो आप जैसे आप आसाम से आए राजस्थान से आए कहीं से आए तो उनको एक मिसलीड करके उनसे पैसा एटने के लिए बहुत इस तरह की बातें करते हैं जो उन्होंने आपको कहा कि आपको टूरिस्ट वीज़ा पे भेज देंगे और आपको आप वहाँ पर रेफ्यूजी असालम कर लोगे दिस इज नॉन दिस इज बैड एडवाइस दिस इज इलीगल एडवाइस पहली बात यह है कि कंसल्टेंट्स जितने भी लोग आप कह रहे हैं कि देर डू नॉट हैव लाइसेंस टू ऑफर यू दिस लीगल एडवाइस कि आपका असालम हो जाएगा रेफ्यूजी हो जाएगा वो हो जाएगा पहली बात दूसरा दूसरा है इस वक्त रेफ्यूजी असालम इंडिया में क्या रेफ्यूजी असालम का मतलब तो ये होता है कि इंडिया में अगर आपको कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम है कोई आपको कोई जान का खतरा है उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं तो उनमें से आपको कोई खतरा है तो आप किसी दूसरी कंट्री जाके पना ले रहे हो तो ऐसा तो कोई अभी रियलिटी है नहीं है ये सब झूठ बोलने वाली बातें हैं और लीगल एप्लीकेशन में लॉ में अगर जब आप झूठ बोलोगे तो आज नहीं तो कल पकड़े जाओगे तो इस करके इस सब बातों का कोई कोई वजूद नहीं है इस इनकी तरफ ध्यान देना नहीं चाहिए जब भी किसी से किसी भी कंसल्टेंट लॉयर से आप कोई एडवाइस लो चाहे इंडिया में लो चाहे कनाडा में लो नॉट मैटर कनाडा में कितना बड़ा लॉयर है छोटा लॉयर लॉयर बड़ा लौयर है, कौन है वी डोंट केयर उनसे बोलो कि जो एडवाइस देनी है प्लीज मेरे को लिख कर दो एडवाइस की राइट ऑन इन ई मेल और समथिंग लिखित में एडवाइस दो कि आपको पता लग जाए कि उसने क्या कहा क्योंकि कल आप आपको वो कहेंगे जी मैंने तो ये नहीं कहा फिर आप क्या करोगे करेक्ट सर उनसे कहना प्लीज जो कुछ कहना लिख के दो अपना और दूसरा ये भी बताओ कि आप हो कौन हो आप लाइसेंस लॉयर हो आपका मेंबरशिप आईडी क्या है वगैरह वगैरह तो इससे पता लग जाएगा कि आपको ट्रैकिंग हो जाएगी कि मैं इनसे बात कर रहे हैं इन्होंने ये कहा था तो ऐसा ऐसा हुआ सर ठीक है थैंक यू वेरी यू नमस्कार थैंक यू सर थैंक यू केयर